फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। टू गिटार्स आर परचेज फॉर 6000, मतलब दो गिटार है उसको कितने में खरीदा गया, 6000 में खरीदा गया है। फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 40% लॉस। इफ़ द सेल प्राइस वॉज द सेम, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है ये है, सेलिंग प्राइस दोनों का अगर साथ हो, मतलब इक्वल हो जाए, तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, दोनों गिटार का आपका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए यहाँ आप लिख लेते हैं CP ऊपर में और ऊपर में यहाँ SP। फिर क्या करते हैं, देखिए पहले पे फर्स्ट का, हम फर्स्ट गिटार का बात करते हैं, तो देखिए पहले पे 40% का प्रॉफिट हो गया, तो आप 40% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, 2/5। मीन्स ये 5 जो नीचे जो आया, ये क्या, ये आपको 5 पे 2 रुपया का इसको प्रॉफिट हो गया है, तो ये जो पहले 5 था अब वो कितना हो गया, 7 हो गया। मीन्स तो ये जो बटे में रहता है, बटे के नीचे वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, तभी ना आपको कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जो बटे में हो गया ये 5 आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कितना हो गया, 2 का हो गया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस के नीचे आप 5 लिख दीजिए, कॉस्ट प्राइस के नीचे 5, आपको इस पर क्या हुआ, 2 का प्रॉफिट हो गया, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, ये पहले का था। फिर अगले में इसको क्या क्या गया है, 40% का नुकसान, दूसरे बारे में 40% का नुकसान। तो देखिए 40% का नुकसान है, तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा तो 2/5, तो 5 वो तो पहले था, लेकिन वो 2 क्या हो गया, अब उसको नुकसान हो गया, अब क्या था, 5 में अब 2 का नुकसान हो गया तो 3 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक और कंडीशन गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस, देखिए यहाँ 7 आ गया या 3 आ गया, ये इक्वल नहीं है, और यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सेल प्राइस वॉज सेम इन बोथ केसेस, दोनों का सेल प्राइस बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम बैलेंस कर देंगे। ऊपर आप क्या कीजिएगा, पूरे इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करते, नीचे पूरे में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपको नया इक्वेशन क्या बन के आएगा, देखिए इसका जो बन के आएगा क्या आएगा, 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, और ये कितना होगा, 21। तो देखिए आपको ये नया इक्वेशन जो CP और SP का निकल के आ गया, ये आपका फाइनल हो गया। अब इसे आप स्क्रैप भी कर सकते हैं, यहीं पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका यूज करके एक नया आप यहाँ रिजल्ट आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल कर लिया, हम कंडीशन जो था मैंने फुलफिल कर लिया। अब देखिए क्या है कि जो गिटार है दोनों को कितना में परचेज किया है, 6000 में। मीन्स तो देखिए ये जो 15 और 35 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हम ऐसे कर सकते हैं कि 50 कितने के बराबर हो जाएगा, 6000 जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो जो यहाँ गिवन है, 6000 इसके बराबर हो गया, 50 ये 6000 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120। 1 का वैल्यू 120 आ गया तो आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस बताना है, 1 का वैल्यू आपका 120 आ गया तो आपको 15 का वैल्यू बताना है, 35 का वैल्यू बताना है, तो आप 120 × 15 कर दीजिए तो 1 का निकल के आ जाएगा। तो 1 का कितना निकल के आ जाएगा, आप 15 × 120 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1800। और इसी तरह दूसरे का भी, सेकंड का ही निकालिएगा, 35 × 120 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4200। तो यहाँ से ये दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, यहाँ से इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अ ट्रेन स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम हैदराबाद एंड रीचेज घाटकेसर इन 40 मिनट्स। देखिए ये कोई ट्रेन का स्थान है, ये हैदराबाद है, ये क्या है, घाटकेसर है। यहाँ से ट्रेन चली और यहाँ पहुँच गए 40 मिनट में, एवरेज स्पीड इसका है 60 km/h यहाँ गिवन है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 15 km/h, मतलब पहले जो 60 था अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 15 और बढ़ा दीजिए तो 75 के हिसाब से चलेगा, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो इसको मान लेते हैं डी है, स्पीड पहले कंडीशन में क्या था, 60 था, और इसको कितना टाइम लग रहा था इसको क्रॉस करने में, 40 मिनट्स, तो यहाँ 40 कर दीजिए। लेकिन आप देखिए 60 किलोमीटर पर आवर ये घंटे में है, तो मिनट में है, तो इसको आप
क्या कीजिए, घंटे में आप कन्वर्ट कीजिए अपॉन, मतलब डिवीजन कर दीजिए 60 से। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, इसका यहाँ से आपको ये क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। अब ये सेम डिस्टेंस से 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में क्या बोला गया, इसका स्पीड को कितना था, बढ़ा दिया गया 60 + 15, और 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए गए, तो इसका यहाँ से आपको ये टाइम निकालना है। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 40/75 ये क्या आ जाएगा, ये आवर में आएगा, तो लेकिन आप इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप 5 times, ये 4 times आ जाएगा, 5 से 8 times मीन्स, तो यहाँ से ये टाइम इसका निकल के आ जाएगा 32 minutes, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years टू बी इक्वल टू 21% ऑफ प्रिंसिपल, तो देखिए ये जो CI है वो 21% प्रिंसिपल के बराबर है, फिर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद सिंपल इंटरेस्ट बी इक्वल टू द प्रिंसिपल फॉर द सेम इंटरेस्ट रेट, मीन्स जो आपको CI में लग रहा था वही इंटरेस्ट रेट अब SI में लगेगा, एंड जितना आप प्रिंसिपल जो CI में था उतना ही प्रिंसिपल अब SI में होगा, तो कितने सालों बाद उसका जो सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। तो R कैसे निकलेगा, तो देखिए CI का फॉर्मूला आपको पता है, P1 + R/100 का पावर देखिए 2 क्यों लिए, यहाँ 2 years के लिए गिवन था, 2 years में ये 21% ऑफ प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है, -1 = 21/100, परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा (P). तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से R का वैल्यू आपको जो उसका रेट है कितना निकल के आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो अब क्या है कि SI आपको निकालना है, SI आपको क्या है, आपको अब आगे SI का फॉर्मूला लगाना है। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो देखिए आपको सबसे यहाँ मज़ेदार की बात की क्या है कि जो SI है, जो SI है इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब जो आप प्रिंसिपल लगा रहे हैं ना ये भी SI ये P के बराबर हो जाए, मतलब SI आपका यहाँ P हो गया जो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, जो यहाँ प्रिंसिपल ये P माने थे, तो ये P और R आप 10 निकाले हैं (T/100। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से T का कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा, 10 years, 10 years बाद जो इसका प्रिंसिपल है वो इस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ Rs 17,000 being calculated at 10% per year for 8 years and 7.5% per annum for 6 years, ये दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो SI प्रिंसिपल कितना है, P कितना है प्रिंसिपल, 17,000, रेट कितना है 10, ये कितना 8 साल का, S1 है (100), फिर S2 सिंपल इंटरेस्ट 2, ये दोनों का आपको क्या रेशियो निकालना है, ये भी कितना है 17,000 है (), ये कितना है 7.5% है (6 ईयर अपॉन 100। तो आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपको यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से 16:9 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1200 square meters, मीन्स एरिया जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना है, 1200 meters square, ये इक्वेशन बन हो गया। इफ द लेंथ इज 25% लेस देन द ब्रेथ, मीन्स तो देखिए यहाँ लेंथ और ब्रेथ, और लेंथ ब्रेथ को हम 100% मानते हैं, तो ये लेंथ क्या 25% लेस है, 100 मानते हैं तो इसको 25% लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, अगर आप 100 में 25% लेस कीजिएगा तो 75 हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3
रेशियो 4 के फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स तो मतलब 3x इसका लेंथ हो जाएगा और 4x क्या हो जाएगा इसका ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ आपको इसका पेरीमीटर निकालना है उस रेक्टेंगल फील्ड का। तो देखिए एरिया बड़ा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप 3x इंटू 4x कीजिएगा तो 12x स्क्वायर अपॉन सॉरी इज इक्वल टू 1200। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो आप x का वैल्यू यहाँ सबमिट कीजिएगा तो लेंथ कितना निकल के आ जाएगा 30 और ब्रेथ कितना आ जाएगा 40। और पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 40 और 30 70 दूना 140 मीटर इसका यहाँ से इसका पेरीमीटर निकल के आ गया।